हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गार्लिक यानी कि लहसुन के विषय पर बात करने वाले हैं। अगर हम लहसुन का पेस्ट बना के हमारे मुर्गियों के फीड में मिलाकर देते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हमारे मुर्गियों में हमको देखने को मिलते हैं, उसकी कितनी मात्रा उसके फीड में हमको मिलाकर देनी है, इन सभी विषयों पर डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मैं आज सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज का इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मालूमात हो जाए। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडअप ईबुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडअप ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडअप ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडअप ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लहसुन अगर उसका पेस्ट बना के हमारे मुर्गियों के फीड में उसको प्रॉपर तरीके से मिलाकर अगर हम देते हैं तो कौन से फायदे होते हैं उसके डिटेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसके फायदों को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद उसकी कितनी मात्रा फीड में मिलानी है उस विषय पर बात करता हूँ। तो सबसे पहला, अगर आपको आपकी जो मुर्गियाँ सुकड़ जाती है वो स्पेसिफिक तौर पर कौन सी बीमारी होती है, किस वजह से होता है, जब आपके मुर्गियों के पेट में कीड़े तैयार हो जाते हैं तो ऐसे में जहाँ पर आपको ये सिम्टम दिखाई दे के कहीं ना कहीं आपके मुर्गियों के पेट में कीड़े तैयार हो गए हैं, ऐसे में जो भी अदरक का पेस्ट होता है अगर आप मुर्गियों को वो फीड में मिलाकर देते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है दोस्तों, मौसम में बदलाव या हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है, तो ऐसे समय में भी लहसुन का पेस्ट आपके मुर्गियों को फीड में देने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब आपके मुर्गियों का लीवर फुल पोटेंशियल पर काम नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है ना, आपकी जो मुर्गी होती है पहले जितना फीड खा रही होती है, जितना फीड आपकी बैच उठा रही होती है, वो एकदम से आपका फीड खाना कम कर देती है पहले के मुकाबले। तो ये क्या होता है ना, एक लीवर उसका कमजोर होने की निशानी होती है। तो लीवर को मजबूती प्रदान करने के लिए भी आप जो लहसुन का पेस्ट होता है वो मुर्गियों के फीड में मिलाकर दे सकते हो, आपको श्योरली तौर पर मुर्गियों के फीड खाने के इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। सांसों से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ अगर मान के चलेगा मुर्गी के शरीर में किसी भाग में, किसी पोर्शन में अगर टॉक्सिन जमा हो जाता है तो सांसों से जुड़ी वाली बीमारी, साथ ही साथ मुर्गी के शरीर में होने वाला टॉक्सिन, इन सभी को दूर करने में भी गार्लिक का पेस्ट मुर्गी के फीड में आपको देना चाहिएगा। मुर्गी की जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसको बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी गार्लिक बहुत ही अहम भूमिका रोल प्ले करता है अगर आप उसको उसके फीड के साथ मिलाकर देते हो तो। जो दोस्तों जिसको हम फ्लू बोलते हैं यानी कि पिस्सू या फिर टिक्स, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में केंचुड़ी बोलते हैं, इस तरीके के जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं आपने बहुत बार देखा होगा, पिसवा जो मुर्गी के पंख होते हैं, पंख के नीचे की जो स्किन होती है वहाँ पर उसको उठाकर अगर आप देते हो, पर को उठाकर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको ये पिस्सू केंचुड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर आप गार्लिक के पेस्ट को, लहसुन के पेस्ट को मुर्गी के फीड के साथ अगर मिलाकर देते हो, ठीक है, तो जो मुर्गी के जो ब्लड होता है उसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है जिसके कारण अपने आप ही ये जो केचोड़ी होती है, पिस्सू होती है, फ्ली होती है, अपने आप ही मुर्गी के शरीर से दूर निकल जाती हैं। ठीक है, कई बार क्या होती है, हमारी मुर्गी को स्ट्रेस से दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो काम एक मल्टीविटामिन, स्ट्रेस रिलीफर या फिर विटामिन सी करता है, वही काम अगर आप गार्लिक का, लहसुन का पेस्ट मुर्गियों को फीड में से देते हो तो वही एंटी स्ट्रेस का काम एक हमारा गार्लिक लहसुन पेस्ट करता है। शरीर के किसी भी हिस्से पर मुर्गी के अगर घाव हो जाता है, एक दूसरे को नोचने की वजह से हो या फिर किसी दूसरे कारण से हो, वहाँ से अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो उस घाव को जल्दी रिकवर करने के लिए भी उस समय में आप मुर्गी को उसके फीड में गार्लिक मिलाकर दे सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी मुर्गी पतली बीट कर रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं आपकी मुर्गी पतली बीट क्यों कर रही है, जैसे कि इन्वायरमेंट में होने वाला बदलाव से भी आपके मुर्गी के ऊपर स्ट्रेस आता है जिसके कारण आपकी मुर्गी पतली बीट करती है। अगर आपका लीटर खराब हो गया है, यह भी एक कारण होता है पतली बीट करने का।
टेम्परेचर में अप डाउन होना, तब्दीली होना, मुर्गियों के अतड़ियों में किसी कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना, ये सब के वजह से आपकी मुर्गी पतली बिट करती है। तो पतली बिट जब आपकी मुर्गी करती है, उस समय में भी आप गार्लिक लहसुन का पेस्ट मुर्गी के फीड में मिलाकर दे सकते हो, आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये तो हो गए दोस्तों अभी गार्लिक लहसुन पेस्ट के क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं। अभी इसका कितना इस्तेमाल, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है फीड में, वो समझा कर बताता हूँ। देखिएगा, 4 किलो फीड पर जो लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट होता है वो मोर देन इनफ होता है, यानी कि 4 किलो फीड में आपको 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलवाकर अपने मुर्गियों को देना है। जैसे कि मान के चलिए आपको 100 किलो फीड में आपको लहसुन का पेस्ट मिलाकर देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लगभग आप जितना भी पेस्ट मात्रा के हिसाब से लेते हो उसके 10 किलो मात्रा में लहसुन के पेस्ट को काफ़ी अच्छे से मिला लेना है, और इस 10 किलो को फिर आपको बचे वाले 90 किलो में प्रॉपर तरीके से मिला कर देना है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि एक भी दाना लहसुन के पेस्ट से बचे ना, पूरा का पूरा लहसुन पेस्ट आपके पूरे फीड में मिला आपके पूरे के पूरे फीड में मिल जाना चाहिए। जब आप उस फीड को उस तरीके से सेंट लेकर देखते हो, बास लेकर देखते हो, तो वहाँ से आपको गार्लिक लहसुन की सेंट आनी चाहिए, ठीक है, सुगंध आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कितने दिनों तक के इस्तेमाल करना है, देखिए महीने में कौन से भी 4 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और स्पेसिफिक तौर पर ये जो भी आप गार्लिक का पेस्ट फीड में इस्तेमाल करते हो वो दोपहर के समय में आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोपहर के समय में जो भी मुर्गी 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक फीड खाती है, फिर रात के समय में वो रेस्ट करती है, तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो भी एक प्रॉपर्टीज होती है लहसुन गार्लिक में, जितनी भी अच्छी क्वालिटी होती है, जितने भी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से मुर्गी का शरीर उसको एक्सेप्ट करता है, एडॉप्ट करता है, ठीक है। तो महीने में कोई भी 4 दिन दोपहर के 8 घंटे के फीड में आपको 1 चम्मच प्रति 4 किलो फीड में मिलाकर देना है। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।